लेकिन ये मानकर नहीं कि तुम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। जो लोग तुम्हारी विधानसभा के लोग हैं ना श्रीमान जी, ये मानना उनमें राम है और आप उनके लिए काम कर रहे हो। आप फैक्ट्री चलाते हो कोई दिक्कत नहीं, दबा के चलाओ। हम तो कहते दूध उठा और चलाओ, तीन तीन था और बढ़ाओ। पर उस फैक्ट्री का अर्थ केवल ये अर्थ ना हो, उस फैक्ट्री का अर्थ परमार्थ हो। उस अर्थ में परमार्थ भी होना चाहिए। और मेरे पागल, ये काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा, जब तक रहेगी जिंदगी पुरुषत्व ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें श्री राम से। और ठोकर खाना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर मिलनी चाहिए। बिना ठोकर के इंसान आगे बढ़ नहीं पाता, संघर्षशील व्यक्ति को होना चाहिए। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही जिंदगी की नीति और रीति है। और तुम अगर असफलता मिल भी रही, घबराओ ना। मोरियानी जी, सोक्ति जी जब हमारे पास पहुंचे, कहा महाराज जी की बहुत विघ्न बन रहा। हमने कहा श्रीमान कोई दिक्कत नहीं, भव्य और दिव्य होगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और मेरे पागलो, अगर तुम्हें ठोकर लगती भी है तो ठोकर को मुस्कुरा करके सहो। ठोकर इंसान को बलवान, ध्यानवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान बनाती है। याद रखना, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है थोड़ी सी तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। जितनी भी ठोकर खाओ लेकिन मुस्कुराओ, ठोकर खाओ और मुस्कुराओ। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव का किसान, उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता भी था, आज का जमाना भगवान डर गया, आज के इंसान से डर गया, क्योंकि इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि भगवान अगर कह भी दे कि तू मांग क्या चाहता, तो वो कहेगा महाराज ब्याह नहीं हुआ, बाई को आ जाए। अच्छा भगवान कह भी दे जा तेरा ब्याह हो जाएगा, लुगाई मिल जाएगी, वो फिर कहेगा कहां मिलेगी। अगर इतने में काम चल भी जाए तो बात बने, भगवान चुप हो जाए, तू चुप हो जा, वो पूछेगा नाम क्या होगा। अगर भगवान बता भी दे उसका नाम ये होगा, और उसके बाद भी अगर मैटर क्लोज हो जाए, चैप्टर बंद हो जाए, तो बात बने, वो फिर पूछेगा गोरी होगी कि काली। और अगर वो बता भी दिया जाए तब भी बात बन जाए, तो कोई खबर, कोई हौस, कोई बहुत अच्छी बात, तब वो फिर पूछेगा कहां रहती है, नागपुर में या बाहर पुणे में। और अगर वो भी बता दिया जाए और बात बन जाए, तो कोई बात ठीक है, मैटर क्लोज हो, लेकिन उसके बाद फिर पूछेगा गुड़ी होगी कि अवगुड़ी। संसार के प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। ये खोपड़ी है, खोपड़ी इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है, ये खो गई और पड़ी है, इसीलिए खोपड़ी है। उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता था, आज के जमाने में डरने लगा, खासकर नागपुर वालों से।